एक्सरसाइज नंबर है जो प्रॉब्लम नंबर 17 है जिसमें चाहे तो देन इन द फिगर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू ए एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 90 डिग्री गिवन दैट क्यू आर 45 एंड क्यू आर 30 सेंटीमीटर एंड पी एस 50 सेंटीमीटर फाइंड द यहाँ पे हमें जो है ना हमें वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है क्यू एस एंड क्यू आर की। तो आई जो इतना टाइम्स आए कि है ना कि करें तो आई पहले ट्रायंगल में जैसे ना है ना एक साइड जी का सा मिनी ट्रायंगल जी साइड है इतनी जी का सा एंगल क्यू पी क्यू एस आर ठीक है ना ये जो एंगल है एस क्यू पी इन जी एंड क्यू पी एस आर जी हिकड़ी साइड जी का है वह कॉमन है। हाँ सभी का पहले असि क्यू एस है मालूम करो आप एस आर मालूम करो यानी कि क्यू एस ये थी हो एस आर ये थी हो चलो शुरू था पहले सभी का पहले क्यू एस मालूम करना है मथे जी का फिगर है उनमें ट्रायंगल पी क्यू एस ट्रायंगल टू साइड्स आर गिवन ठीक है बस साइड में साइड में ले लें ठीक है ट्रायंगल पी क्यू एस में एंगल क्यू जो है वो है 90 डिग्री जी है और हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ऐसा होने ही फिगर में है कि एंगल कडियो है जिन हाइपोटेन्यूज है पी एस जिनको जिनकी वैल्यू है 53 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर जिनकी वैल्यू है इन ट्रायंगल में ये का मालूम करनी है बेस जो है इन ट्रायंगल में पी क्यू है जिनकी वैल्यू 45 सेंटीमीटर है हथियार सा पैथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करे रिक्वायर्ड जी का साइड आए उनकी वैल्यू मालूम करासी तो पैथागोरियन थ्योरम जो ये फार्मूलो है ना फार्मूले में असान जो पास वैल्यू पुट करना आसी वैल्यू पुट करने का पूरा असान के एक साइड असान के क्यूएस मिली हुई दी क्यूएस एक ही साइड मिली हुई दी थी असान के ये सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन है तमाम कैलकुलेटर दे करो तो असान क्यूएस की वैल्यू मिली 28 सेंटीमीटर एंड में खाना बियो है जिनमें असान के मालूम करना है एस आर साइड है ठीक है is a QS QS is a common side of two triangle PQS and QSR in given figure ठीक है ना figure में दिखा देने में जो पास हो सानी QS दिखा दे बिनी triangle की common side है ठीक है इतने ऐसा के भी already found QS मतलब ऐसा पे ही part में QS ये जो ऐसा दिखा 28 सेंटीमीटर में जो ऐसा मालूम कर चुका है हाँ अस ट्रायंगल क्यू एस आर में एल एस बराबर है 90 डिग्री क्यू आर 30 डिग्री सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड क्यू एस अस 28 सेंटीमीटर देन वी कैन फाइंड एस आर इजीली ठीक है ये ट्रायंगल ठयो जेनी डेटा अस मिली यो ट्रायंगल जो नंढो टुकड़ो उन में करो जिन एस 90 डिग्री है हाइपोटेन्यूज इन में अस है हाइपोटेन्यूस अवान जो 30 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर अवान जो 28 सेंटीमीटर है एस आर अवान जो बेस है जिनकी वैल्यू है घनी मालूम करनी है ठीक है या एस आर का मालूम करनी है जो पैथागोरस थ्योरम की मदद से इजीली फाइंड कर सको पैथागोरस थ्योरम जो फॉर्मूलो लिखी उनमें जो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस वैल्यू पुट करासी एको सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन जी का तमाम कैलकुलेटर जी मदद से सॉल्व करो 30 जो स्क्वायर करो 28 स्क्वायर करो प्लस करो जोड़ करो ए वरी एस आर जो स्क्वायर छड़ायो स्क्वायर रूट छड़ायो तमाम के एस आर जी वैल्यू साइड जी मिली ये तमाम आसान है उम्मीद वा के जरूर पसंद आयो होगा।